अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज जैसे कि आपने देखा कि मेरे व्लॉग की स्टार्टिंग में मैं जो अनबॉक्स कर रही थी पार्सल, उसके साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, तो वो आगे जाके मैं उसके बारे में बात करूँगी। पहले यहाँ पर देख लेते हैं कि जेली टिंट, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा वायरल चल रहा है, जो कि मैंने ऑर्डर कर दिया है, मुझे कुछ दिनों में ये रिसीव हो जाएगा, तो मैं आपको टेस्ट करके बताऊँगी कि ये कैसा है। तो यहाँ पर मैं शाम में अपने फिशेस का बोल साफ़ कर रही थी, तो मुझे मेरा पार्सल रिसीव हुआ, जो कि मैं काफ़ी दिन से वेट कर रही थी, और बहुत लेट रिसीव हुआ। जो इसका टाइमिंग था रिसीव होने का, उससे काफ़ी लेट हो गया, 3-4 दिन ऊपर हो गया था, और मैं परेशान हो गई थी क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था, और मुझे ये आगे भी कुरियर करवाना था बर्थडे से पहले, और ये मुझे जो है वो अपने बर्थडे गिफ्ट्स में इंक्लूड करके भिजवाना था। तो मुझे काफ़ी टेंशन हो रही थी कि ये पार्सल पता नहीं कैसे आएगा कैसे नहीं आएगा, लेकिन इससे पहले भी मैं दराज से ऑर्डर कर चुकी हूँ फ्रेम्स काफ़ी बार, तो मुझे मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मेरा पहले का एक्सपीरियंस अच्छा है तो ये भी ठीक होगा। बट मैं इसके लिए इसीलिए परेशान थी क्योंकि ये मुझे किसी को गिफ्ट करना था, अपने पास रखनी होती चीज़ तो मैं उसको वैसे भी रख लेती जैसे ये मेरे पास पहुँचा है। असल में गलती मेरी भी है क्योंकि मैंने पहले जहाँ से ऑर्डर किए थे 2 बार, मैंने वहाँ से ये ऑर्डर नहीं किया क्योंकि उनके पास जो है वो साइज़ में छोटे फ्रेम्स अवेलेबल थे, बड़े आउट ऑफ स्टॉक थे, तो मैंने ये किसी और पेज से ऑर्डर किया जिसके साथ मेरा बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस रहा है। और उनसे मैंने बात भी की थी, उनको मैंने बाद में मैसेज भी किया, और पहले भी मैंने उनको यही कहा था कि ना प्रिंट में कोई गड़बड़ होनी चाहिए ना फ्रेम में, तो उन्होंने मुझे यही बोला नहीं हमारा बहुत अरसे का काम है, और मतलब वो बहुत ही रूड तरीके से पहले से ही बात कर रहे थे मुझसे, और मतलब उनको कस्टमर्स वगैरह डील करना बिल्कुल भी नहीं आता कि कैसे बात करते हैं उनसे और कैसे उनको डील करते हैं, कैसे ऑर्डर लेते हैं और कैसे उसको कस्टमर को सेटिस्फाई करते हैं, किस तरीके से किस लहजे से बात करनी चाहिए, उनको बिल्कुल भी तमीज़ नहीं थी, बहुत बुरे तरीके से बात कर रहे थे। आगे जाके मैं बाद की चैट का स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी अटैच करूँगी जब मैंने रिसीव किया पार्सल और मैंने उनको बोला। तो खोलने तक मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, अभी भी मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, मैं बहुत खुशी से पार्सल खोल रही थी, बट जब मैंने देखा कि बबल रैप उल्टी साइड पड़ा है, और जब मैंने अभी देखा कि ये टूट गया है, तो मैंने पहले तो मैंने वीडियो बंद करवा दी, मूड बिल्कुल ख़राब हो गया था और मेरे अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि मैं इसको पलटूँ, बट फिर मुझे दिखाना था कि किस तरीके से एक तो डील किया और ऊपर से किस तरीके की हालत में ये पहुंचा है। बट इतना मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं उनसे बात करने के बाद बहस करूं आगे और उनको बोलूं कि मुझे रिटर्न चाहिए, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं था, मेरे पास 2 दिन का टाइम था जिसके अंदर मुझे मंडे पे ये डिस्पैच करवाना था ताकि ये ट्यूसडे वेनसडे को पहुँच जाए, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था, मैं खुद ही शुरू हो गई और मेरे भाई ने यहाँ पर मेरी बहुत हेल्प की, उस बेचारे ने अपना हाथ बचा बचा के किसी तरीके से पूरा ये जो है वो मिरर जो है ग्लास जो है वो उतारा, मिरर कह रही हूँ ग्लास जो है वो उतारा, और उसके बाद फ्रेम भी मैं कहूँगी कि पुराना सा फ्रेम था, फ्रेम भी अच्छा नहीं था, के बाद उन्होंने मुझे रिस्पॉन्ड किया लेकिन बहुत ही बदतमीज़ी से बात की, और बजाय इसके कि मुझे सॉरी बोले, उन्होंने यही बोला कि हमारी पैकेजिंग बहुत अच्छी थी और इसमें हमारी गलती नहीं है, इसमें आपकी गलती है, हम कुछ नहीं कर सकते, ये वो, और एंड तक से बहस ही किए जा रहे थे। मुझे चेंज करवाना था सब कुछ और मेरे पास मुझे हल निकालना था, बेसिकली इनसे बहस करके तो मेरा सॉल्यूशन नहीं निकलता किसी भी चीज़ का। तो मैंने बाहर देखा तो बारिश स्टार्ट हो गई थी, आज तो रात को हम कहीं भी नहीं जा सकते, तो फिर मुझे यहाँ का मार्केट्स का ज़्यादा पता भी नहीं है, बट फिर हमने किसी से फ़ोन करके पूछा और उन्होंने हमें बताया, उसके बाद हमने कहा कि कल करवा लेंगे, चलो थोड़ा बहुत टेंशन उतरा। अभी मैंने एक चीज़ थोड़ा सा सोच के उसका हल निकाल के मैंने उसको थोड़ा मैं टेंशन फ्री हुई,
उसके बाद बारिश में नहाए और उसके बाद भूख लग गई सबको लेट नाइट। तो बारिश काफ़ी देर तक चली, कई घंटों तक चली, और बारिश मेरी फेवरेट है। थोड़ा मूड मेरा लाइटन अप हुआ था, बट उसके बाद भूख लग गई। फिर मैंने पास्ता बनाया अलिश्पा और मैंने मिलके। उसके बाद यहाँ पर हम मूवी देख रहे थे और सो गए। सुबह जब मैं उठी तो यासीन मुझे बुलाने आया और कहा कि आपकी फ़िशेस को कुछ हो गया है। तो जब मैं गई तो वो ऐसे ऊपर फ्लोट कर रही थी, और एक जो वाइट वाली थी वो तो काफ़ी देर पहले ही मर चुकी थी, लेकिन जो ऑरेंज वाली थी वो अभी रिसेंटली मरी थी। मतलब पूरी रात से इनको पता नहीं क्या हुआ ऐसा कि ये मर गई, क्योंकि हम उसी रूम में सोते थे। तो उस दिन हम उस रूम में नहीं सोए थे क्योंकि बारिश हुई थी, तो हम दूसरे रूम में सो रहे थे। तो पता नहीं उनको ऐसा क्या हो गया, सफोकेशन हो गई या फिर फैन ऑन नहीं था तो इस वजह से। बट नज़र जो होती है वो बहुत ख़राब चीज़ होती है। आज जो है वो आज के दिन में दो चीज़ें हो गई, फ्रेम भी टूट गया और फिशेस भी मर गई, जो कि अभी रिसेंटली ही मैंने ख़रीदी थी। ऐसा नहीं है कि मुझे फ़िश रखना नहीं आता, मुझे आता है रखना। मेरे पास पहले भी एक थी और वो काफ़ी बड़ी हो गई थी, काफ़ी टाइम तक मेरे साथ थी। खैर, यहाँ पर बारिश होने के बाद बहुत ही प्यारा चांद निकल आया था और मैंने आज सिंगर ऑर्डर किया था, और उसके बाद यहाँ पर फ्रेम जो है वो बनकर आ गया था और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। मैंने पैक भी कर लिया था और ये संडे की रात है और मेरा विद इन द डेडलाइन काम हो गया था। और ये मंडे की सुबह मैं गई थी अपनी फ्रेंड्स के साथ और अपनी बहन के साथ बाहर, और मम्मा के लिए फिर मैं ये लेकर आई थी वापसी में। चाट लेकर आई थी क्योंकि वो फास्ट फूड वगैरह आप अवॉइड करती हैं, तो इस वजह से मैं उनके लिए देसी चीज़ लेके आई थी चाट। और मैंने अपनी जो गिफ्ट्स थे वो भी मैंने डिस्पैच करवा दी है, अब वो एक दो दिन में पहुंच जाएंगे। और उसके बाद अगर मैं अनबॉक्सिंग वाली वीडियो अगर मेरे पास आई तो मैं ज़रूर व्लॉग में अटैच करूँगी, और मैं आपको वो चीज़ें भी दिखा दूँगी जो मैंने दाऊद से ली थी, वो चीज़ें भी दिखा दूँगी मैं आपको जब पहुँच जाएंगी वहाँ पर। जब तक मैं ये व्लॉग अपलोड करूँगी तब तक तो पहुँच ही जाएगा और बर्थडे भी सेलिब्रेट हो चुकी होगी। तो ये यहाँ पर अब हम चाट इन्जॉय करेंगे। बहुत ज़्यादा स्पाइसी कर दी थी, पी थक के आई थी, और मुझे अभी मैंने कहा मैं सो जाऊँगी, लेकिन जब मैं घर आई तो अलिश्पा अपनी फ्रेंड की बर्थडे में जा रही थी, तो उसने कहा तुम भी चलो, तो इसीलिए फिर मैं तैयार हुई और अब हम जा रहे हैं। और रास्ते में ना हल्की हल्की सी फुहार पड़ना स्टार्ट हो गई थी और बहुत बहुत ज़्यादा गर्मी भी थी और हल्की हल्की सी बारिश भी हो रही थी, और काफ़ी ट्रैफिक भी था पता नहीं क्यों। आगे जाके जहाँ पर हम जा रहे हैं वहाँ पर आके बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जमा हो जाएगा। अभी वहाँ पर शायद कुछ एक्सीडेंट वगैरह हो गया था बीच में, तो काफ़ी ट्रैफिक था और गर्मी भी बहुत थी, घर मिल भी नहीं रहा था। तो यहाँ पर मेरी हालत और बाल वाल सब ख़राब हो गए थे। वहाँ से मैं आ गई थी, उसके बाद ये नेक्स्ट डे मैं यूनिवर्सिटी गई थी। काफ़ी गर्मी थी और हमारा रिसर्च प्रपोज़ल हमें जमा करवाना था, उसका सिनॉप्सिस जमा करवाना था, तो काफ़ी हेक्टिक डे था और टेंशन भी, क्योंकि मैं प्रेजेंटेशन वगैरह से मुझे थोड़ी सी एक तरीके से एलर्जी है, क्योंकि मैं हूँ इंट्रोवर्ट और मुझे इतने सारे लोगों के सामने पता नहीं क्यों बोलने में थोड़ा सा होता है। तो यहाँ पर ना काफ़ी गर्मी है और हम सिंधी हैं, हम थादल ना पिए तो हमारा चलता ही नहीं है। तो हम जब भी यूनिवर्सिटी जाते हैं यहाँ से गुजरते वक्त ज़रूर थादल पीते हैं, मैं और मेरी दोस्त। और ये मैंने खाना खाया, घर पे आके मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।